इतने लोग मौजूद हैं, इतने लोगों के बीच में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके समझ करके तौबा कर रहे हैं। आज से हमारे गांव के अंदर ये खुराफात नहीं आएगी इंशाअल्लाह। आप लोग को गवाह बना करके मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। वाले हैं यहाँ कोई? नहीं नहीं, इधर कोई सामने बैठे हुए उते हैं, पीछे उते बैठे उते टोक रहे हैं। जलालू कहाँ? सामने आओ, सामने आओ, खड़े हो, सामने खड़े हो, सामने खड़े हो। क्या हुआ था वहाँ बताओ? हम ऐसे विभाग में ये चले गए, जब वहाँ ये मामला हुआ तो उनका आप पहले बता देते। पहले मना किया रहा, हम मना कह रहे हैं, बात नहीं मान, ना मानूम। बहरहाल वहाँ पहुँचे तो स्कूल का जो दफ्तर बना है वहाँ से बुलाए, वहाँ पे गए तो मौलाना कई बार उनको मौका दिया गया। हमसे गलती हो गई और अब दोबारा ये अंदर ये गलती नहीं होगी। दोबारा वो जिसे आप बोलते हो ऐसे लोग आ चुका था, निकाह नहीं हो रहा था, इसी तरह निकाह नहीं करा रहे। और यहाँ जब स्कूल वाले दफ्तर में हमने गलती मांग मूंग के फिर भी गए वहाँ, और वहाँ पे कम से कम एक घंटा डेढ़ घंटा का टाइम हमसे लिया गया। वो यहाँ ये बोले कि तौबा करिए, वीडियो बनाइए। वो मौलाना बोले कि तौबा करो, वीडियो बनाओ। बहरहाल ढकरवा के सारी बिरादरी हमने खड़ी रही, लेकिन कोई ये बात नहीं बोला कि अब हजरत हुए हुआ मामला आगे न बढ़ाया जाए। उसके बाद में एक मोहिद्दीन हलवाई हैं, वो ही बोले जब जाने हम ज़्यादा परेशान हैं तो वो बोले हाफिज जी आप तो कम से कम गुंजाइश दिया जाए। तो हमने सोच के दोबारा वहाँ चले आए, फिर भी उस गांव में दो मरतबा डीजे गया, जो हमारे साले हमको मना किया। फिर उनके जो है बड़े बहनों हमारे सालों के यहाँ जो डीजे गया, उन्होंने ना मिला, लड़का बच्चा सबको मिले। लेकिन बहुत शासन से जब हमने कुछ नहीं हुआ तो हमारे यहाँ जो बड़े साले के लड़का है वो आके हमारा लड़का बन के उन्होंने तौबा किया, गलती मांगा, फिर भी वो मौलाना तैयार नहीं था। फिर वीडियो बनाने के लिए तैयार भाई, वीडियो बनवाई, तमाम हम वीडियो बने, तमाम किराया गया, माफी मांगी, माफी वो मामला आपका होगा, आपका होगा। यहाँ से इन लोगों को मना किया गया डीजे के लिए, नहीं मना किया गया, मना किया गया डीजे के लिए। अभी 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 आधा घंटा पहले मना किया गया कि यहाँ डीजे नहीं लेके आना। यहाँ हमारी बात हुई है, हमने कहा बता देना अगर डीजे लेके आएंगे तो जो शर्त है वो शर्त जौन हुआ शर्त है वही शर्त नियम है। नहीं तो अभी आधा घंटा पहले जब उजीगंज में रहा है तब मना किया गया कि डीजे लेके है ना आए। तरीके से कर रहे हो, कोई मामला नहीं, खुराफात कर रहे हो, ठीक है, हम भी करना जानते हैं। नहीं बनी है, बिल्कुल बनेगी, तो आप बनाओ यार, बिल्कुल बनेगी, हर किसी के पास है, बिल्कुल बोलिए। जो कुछ शरीयत है शरीयत के हिसाब से तौबा अल्लाह का है, वैसे तौबा अस्तगफार तो नहीं, जब जहन में ख्याल आवत है वो अलग। और आप लोग के हाजिर और नाजिर करके आप लोग को गवाह बना करके मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। और अब अल्लाह ना करे जो ऐसा नौबत अंदर परिवार में आवे, बाकी किसी में आवे हमसे मतलब नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सुनिए। आज 10-15 दिन हो गया मैं दूल्हा का सबसे बड़ा भाई। दस दिन पहले पेस्तर हमने खुद मना किया था अपने घर, लेकिन न माने के बावजूद कितनों गाँव के लोग आए हमका मनाए कि तुमको बरात चलना है। लेकिन अब यहाँ से हमारा कहाँ से कंसर्न खराब हुआ कि हम एक गैर बिरादरी के बरात जा चुके थे डीजे के साथ ही, लेकिन तंबई हमको देना अपने घर में जो है वो है, हम गैर बिरादरी के तंबई नहीं दे पाएंगे। वो मिसाल नहीं है, गैर मुस्लिम के यहाँ कोई पाबंदी है नहीं, वो कोई मिसाल है हजरत। अगर आप उसमें चलाए इतनी सभा के अंदर, इतनी सभा के अंदर आप लोग को हाजिर हाजिर करके आप लोग को गवाह बना करके मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी हर
शर्तें जो मजहब के दायरे में है, जो इस्लाम के दायरे में है, वो हर शर्तें आपकी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अल्लाह के रसूल करें ऐसा जो हमारे खानदान में ऐसा दोबारा ना हो। असल तौबा यही है कि हम खुद अपने आप लोग को हाजिर नाजिर करके आप लोग को कल मैदान महशर में आप लोग इसकी गवाही देंगे जो हमसे गुनाह हुआ है, इसके गुनाह जो गुनाह हुई है इसको आप कल मैदान महशर में आप लोग गवाह देंगे कि इसने गुनाह किया था, लेकिन हम लोग के बीच में तौबा इस्तिगफार अब इससे बढ़ती कोई बात हो बिल्कुल आप बैठ जाए। साथ में जितने लोग भी है, साथ में जितने भी ऐसे हाथ जोड़ा है हम अपने घर पे, आज 10 दिन हो गया मैं आज अपने घर की ड्योढ़ी पर गया हूँ, मैं अपने अपने बच्चों के हाथ पैसा भिजवा दिया हूँ घर पे, पैसा ले लो लेकिन हम नहीं जाएंगे। आदमी जिद करता है, हम 4 आदमी में बैठे वाले हैं, जिद होती है। कोई मौलाना बुलाए हम तनिक समय, कोई मौलाना हम खुद बुलाए रहे की मुशायरा पढ़ते थे, जब बना लिए तो मुशायरा पढ़ते थे, फिर तनिक समय 10 मिनट हमका बाजार में लेट लग गया है, तो अपने बेहूदा इंसान हम अपने पड़े हैं, कोई आपकी हम इज्जत करेंगे, आपके मुखातिब होंगे, 10 मिनट सहारा देखिए अपन गाड़ी को। यही आल मौलाना साहब जैसे इन्होंने क्या बात बोले हैं, यही बात हमने खुद दफ्तर में बोला था, लेकिन वो सरैया का जो मौलाना था वो अपने आगे कुछ समझी भी नहीं, तोबा ये नहीं है कि जहाँ जुटा जरूरत हो तब तोबा होता है, यहाँ से आज कर ले कल फिर वही काम करे, वो चीज है। देखो मेरी बात, ये इतने लोग मौजूद हैं, इतने लोगों के बीच में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके समझ करके तौबा कर रहे हैं, मामूली तौबा नहीं है, नाक की बात है, नाक कटती है आदमी तौबा नहीं करता है, कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसा नहीं, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये ईमान का तकाजा है, ये गुनाह कर रहे हैं, बात जबान से निकल रही है, ये ईमान का तकाजा है, ईमान अंदर से बोल रहा है। 10 दिन हो गया मैं अपने घर पे नहीं गया हूँ, इसलिए भाई हमारे गाँव वाले खास आज से सब लोग अहद कर ले कि आज से हमारे इस गांव के अंदर ये खुराफात नहीं आएगी, इंशाअल्लाह नहीं आएगा। जिस चीज से अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंची हो, आपका दिल छिलता हो, आपकी रूह को तकलीफ पहुंचती हो, वो हमारे सबका ईमान का तकाजा है कि ऐसा कदम हम न उठाए, ऐसा काम नहीं करें, हर मोमिन का ऐसा नहीं, हर मोमिन का काम तकाजा है, हर मोमिन का काम किसी भी फिरका का खाली, लेकिन हर मोमिन खाली ये दुनियावी खाली नाक बढ़ाने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नाराज कर रहे हैं।